अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बासित शाह, मेरे साथ मौजूद है हुसैन इमाम। आपको आप सब ने खुशामदीद कहता हूं। तो गाइस, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू टीम न्यूजीलैंड एंड टीम आफ्टर स्टम्प्स के आखिर 144 साल के बाद एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, उसके बाद न्यूजीलैंड ने जो टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी थी वो अपने नाम कर ली है। तो बहुत बहुत मुबारक हो तमाम कौम को, तमाम लोगों को और न्यूजीलैंड स्पेशली आपको। तो बात क्वेश्चन कब से करने को है, पहले मैं तो आपको ये पता चलूं कि आखिरकार न्यूजीलैंड के जो नाम है रविशा जी, वो ऊपर ऊपर आता जा रहा है। एक्जेक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग रनर को याद नहीं रखते, लोग विनर्स को याद रखते हैं। जब भी बात आएगी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहला कौन जीता था, तो न्यूजीलैंड का नाम आएगा, इंडिया को कोई नहीं जानेगा। कोई रोता भी यही है, अगर इंडिया जीता तो न्यूजीलैंड को किसी ने नहीं जानना था। तो वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बहुत मुबारक हो न्यूजीलैंड को, उनके कंट्री वालों को, उनकी नेशन को, के उन्होंने मैच को जीता है और पहला चैंपियन जो है आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। बहुत बड़े इज्जत की बात है, बहुत बड़े इज्जत की बात है। नो डाउट बिग अचीवमेंट है न्यूजीलैंड की। मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम जो एक टैग लगा हुआ था कि टूर्नामेंट्स आईसीसी के आते थे, फाइनल तक, सेमीफाइनल तक आते थे, उसमें फिर वो हार के पीछे ले जाते थे, लेकिन ये 3-4 साल में न्यूजीलैंड ने जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, पहले चैंपियन ट्रॉफी अर्ली 2000 में जीती एंड देन मूव किया, अब आईसीसी का दूसरा टाइटल जीता है फर्स्ट टाइम, और पहला टाइटल है इनके पास आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का। तो अगेन बहुत मुबारक हो टीम न्यूजीलैंड की। विलियमसन डन अ ट्रेमेंडस जॉब, किस तरह खेलते हैं, कंडीशन को किस तरह यूज करते हैं, वो विलियमसन और रोहित शर्मा ने बताया है। बिल्कुल सही बात। अच्छा आशा जी, अब हम इंडिया की तरफ आ जाते हैं। इंडिया में आखिर कहाँ कमी रह गई थी क्या? मुझे तो ये लगता है, जो मैंने देखा कि जो बारिश हुई है पहले दिन, उसने लगता है इंडिया वाले को ठंडा कर दिया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बिल्कुल सही है। इंडिया का जो टेम्पो टूटा है वो बारिश से तोड़ा है। 144 पे इंडिया, आई थिंक जब बारिश हुई है तो 3 आउट था और विराट कोहली सेटल हो चुका था, साथ ही जीके रहाने अच्छा रन कर रहा था। तो उन्होंने, अगर वो पहला दिन बारिश ना होता तो मेरा ख्याल है उन्होंने 250 से अबव और 300 के दरमियान ले दी थी, और वहीं भी मैच चेंज होना था। मैंने आपको मैच से पहले भी जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टीम पहले टॉस जीतेगी, वह टॉस तो न्यूजीलैंड ने जीता और बैटिंग का अपॉर्चुनिटी थी, बारिश को उन्होंने बेनिफिट लिया, तो जो टॉस जीत के या पहले बैटिंग करके 350 रन करते ही है तो उनकी बॉलिंग अगर अच्छी है तो फिर वो मैच 80% इंग्लैंड में वो जीत जाते हैं। इंडिया ने टेम्पो सेट कर लिया था, विराट कोहली ने टेम्पो सेट कर लिया था, जिंके रहाने ने, लेकिन वो बारिश ने उनका टेम्पो तोड़ा और जब वो नेक्स्ट डे आए हैं तो अर्ली विकेट गिरी है, तो उसके बाद वो क्लैप्स कर गए। नीचे उन पर अपन था तो उस पर काफी रिलाय कर रहे थे, अजय रविंदर जडेजा पे वो कर रहे थे, लेकिन वो सारे फेल हो गए, उन्होंने अच्छा रन परफॉर्म नहीं किया। तो 217 रन अगर पहले ही आप इनिंग्स में देंगे तो मेरा ख्याल है कि इन थोड़ा कम है, वो थोड़ा कम है। तो मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड का भी स्टार्ट अच्छा तो हुआ था लेकिन उसको कैरी नहीं कर पाए, उनको भी बारिश से शुरू किया तो वो 249 पे अपना जो है ना पहली इनिंग्स में उन्होंने ऑल आउट हो गए, लेकिन 32 रन की वाइटर जो थी लीड थी जो उन्हें मिली है, और एंड में थैंक्स टू आईसीसी के उन्होंने छठा दिन जो दिया, अगर छठा दिन ना होता तो डेफिनेटली ट्रॉफी कल शेयर हो जाती। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का जो टेम्पो टूटा वो फर्स्ट बारिश डे टूटा, अदरवाइज इंडिया ने 300 रन कर लेते तो अभी मैच एंटायरली चेंज होता। बिल्कुल। अच्छा शाजी, जल्दी जल्दी सवाल कर लूँ कि आपने जैसे लास्ट वीडियो में कहा था कि इंडिया हॉट फेवरेट है आपका, और इतने बड़े बड़े नाम ऋषभ पंत है, विराट कोहली है और रोहित शर्मा, बड़े बड़े नाम, तो इन सबको क्या हुआ फिर? देखिए, बात यह है कि इंडिया जो है काफी अच्छे से बाहर अपने ग्राउंड में तो अच्छा करता ही करता है, लेकिन काफी अच्छे से बाहर से भी अच्छा खेलता था। ऑस्ट्रेलिया भी जीते तो एक बहुत बड़ा टैग उन्होंने लिया है, ऑस्ट्रेलिया भी जीतते आए हैं, लेकिन इंग्लैंड में इंडिया का रिकॉर्ड बहुत पुअर है। आप जब से इंडिया क्रिकेट खेल रहे हैं, इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट की मैं पॉइंट से बता रहा हूँ कि बहुत पुअर रिकॉर्ड है, और वही स्विंग और विकेट्स पे जो है ना मार खा जाते हैं। तो कंडीशन भी इस तरह की थी बारिश की वजह से, वो मेरे ख्याल उन्होंने विकेट को मिस किया है, बारिश, उन्होंने दो जो स्पिनर खिलाए हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज न्यूजीलैंड अगर आप देखें तो उन्होंने 5 फास्ट बॉलर के साथ गई है, सीमर्स के साथ, स्विंगर्स के साथ गई है, पेस के साथ गई है, और उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव टॉस जीत के जो ऑब्जेक्टिव लेना था उन्होंने उसको अचीव किया है। अनफॉर्चुनेटली कि स्टार्ट अच्छा मिला न्यूजीलैंड को लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन अग्रेशन जो है ना इंडिया को मरवा गया, जितना विराट कोहली में अग्रेशन है, पैशनेट है, तो वो अग्रेसिवनेस उनको मरवा गई। अदर दूसरे एंड में देखें तो विलियमसन कूल एंड काम माइंड के साथ खेलते रहे हैं, और उन्होंने अभी जब 40 पे 2 आउट थे न्यूजीलैंड के तो था, लेकिन विलियमसन रोज से इधर ने आज प्लान इनिंग्स को प्लान किया और अब आपके सामने रिजल्ट है। 8 विकेटों से न्यूजीलैंड पहला
आईसीसी टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है, तो मैं अगेन कहूंगा बहुत बहुत मुबारक हो न्यूजीलैंड की टीम को, उनकी नेशन को, कि उन्होंने हमें पहला अपना आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप हमें मिला है। और आईसीसी को भी मैं मुबारकबाद दूंगा, तो जो उन्होंने छठा दिन रखा है तो बड़ा अच्छा जो है कि जो कंपलसेट किया है, क्योंकि देखिए अगर ट्रॉफी शेयर होती मजा नहीं आता, चैंपियन ही होना चाहिए, बिल्कुल चैंपियन ही होना चाहिए। और वो न्यूजीलैंड है, और उनके लिए ट्रैफी करेंगे, न्यूजीलैंड के लिए, विलियमसन के लिए ट्रैफी करेंगे, बहुत बहुत मुबारक हो। एंड में अगेन मैं कहूँगा टीम न्यूजीलैंड, तो थैंक यू सो मच अजी आपके रिव्यू के लिए। तो गाइस आपको जल्दी से बता चलूँ कि कल एक और फाइनल है जो कि पीएसएल का है, पीएसएल का फाइनल है कल, पेशावर वर्सेस जर्मी, पेशावर जर्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। तो शाजी आपसे दोबारा एक बार पूछे चलूँ कि आपने पिछले दफा तो गलत आया था हॉट फेवरेट आपका, तो वो तो ठीक नहीं था, तो अब बताइए इस बार आपका फेवरेट कौन है? मेरा तो मैं इंडिया हॉट फेवरेट था, लेकिन अब वो नहीं परफॉर्म कर सके तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। एनीवे मैं इस उम्मीदों का पेशावर के चांसेस ज्यादा है, जिस तरह पेशावर का टेम्पो बना हुआ है, तो मेरा ख्याल है पेशावर जीतेगा। लेट्स सी टुमारो, देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कल मैच के बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन में जरूर आएंगे। तो कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूँ की अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, वो कमेंट देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।